Assalamu alaikum. Good morning, good morning. A very good morning to all of you. Kya bhai har Monday ko aapko mujhe na aise bistar se pakad ke yun karke nikalna padta hai ki sardiyan aa gayi hain ab uthne ko ji nahi karta. Iska ek aasan sa aapko hal bataun ki roz raat ko sone se pehle important tip hai. Roz raat ko sone se pehle aapne agle din ki आपकी एक्टिविटीज जो है उसमें कोई एक ऐसी चीज चुन लेनी है जो कि आपको मोटिवेट करे सुबह बिस्तर से निकलने के लिए. खाला रजिया को मिलने जाना है. हाँ, खाला रजिया एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी का किरदार हो सकती है. उनसे मिलना भी बहुत जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर उसको एक रात पहले सोच लिया जाए या गाड़ी के सीट कवर्स चेंज कराने, कोई भी काम आप ऐसा सोच लीजिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो. इंपॉर्टेंट कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको आप लुक फॉरवर्ड नहीं कर रहे होते, लेकिन ऐसा अहम काम जिसको आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, आपका जी करेगा अरे ये मैंने करना है, आज अमरूद खरीद के लाने हैं और अमरूद की चाट बनानी है. इस तरह का, चाहे वो खाला रजिया है, चाहे गाड़ी के कवर चेंज करवाने हैं, चाहे अमरूद की चाट बनानी है, कोई भी चीज को अपने ब्रेन सेल्स को मैसेज दिए सोने से पहले कि कल मैंने ये काम करना है जो मुझे बहुत ज्यादा खुशी देगा, मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा. यकीन कीजिए अगली रोज सुबह जब आपकी आंख खुलेगी आपका खुद जी करेगा कि आप बिस्तर से निकलें, खाला रजिया से मिलने जाएं, अमरूद की चाट बनाएं, गाड़ी के सीट कवर्स चेंज कराएं. ट्राई दिस, दिस एक्चुअली वर्क्स. मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूं कि जो अगले दिन के जो हमारी गेस्ट लिस्ट होती है उसमें से एक दो गेस्ट्स के बारे में सोचता हूं. अरे वाह, कल कौन है? कल एमबीए है. एमबीए, ओ एमबीए वॉल्ट डिज्नी के ऊपर प्रेजेंटेशन लेके आया. डिज्नी, डिज्नी वर्ल्ड, डिज्नी स्टूडियोज, जिस डिज्नी के साथ हमारी जिंदगियां की कहानी, जिंदगियों की कहानी मुकम्मल नहीं होती. क्या मिकी माउस और मुख्तलिफ किरदार. तो कल एमबीए आ रहा है, उसके डिज्नी के सेगमेंट को मैं लुक फॉरवर्ड करता करता सो जाऊंगा. सुबह उठूंगा तो देखना जनाब कैसे वक्त पे नहीं पहुंचते. ट्राई दिस आउट. और ये टिप आपको कैसी लगी आपने हमें जरूर बताना है. ब्रेकफास्ट एट होम हमारा फेसबुक पेज है जिसपे आप इनबॉक्स कर सकते हैं जाके. आज एक बहुत मजे की चीज होने वाली है हमारे शो में, और वो ये है कि एक हमारे नए साथी एक सेगमेंट लेके आ रहे हैं, उनका नाम है हसाम, और वो एक ऐसे इशू पे बात करने वाले हैं जो कि वो कहते हैं हर घर की कहानी है, इसलिए कि जब घर बनता है तो उससे पहले उसकी प्लानिंग होती है. हसाम एक बहुत ही मायानाज आर्किटेक्ट है और ये हमें कुछ टिप्स देंगे कि घर बनाने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है. जैसे सुबह उठने से पहले, रात सोते हुए जिन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, इसी तरह घर बनाने से पहले, घर शुरू करने से पहले वो कौन से टिप्स हैं, वो कौन से प्रिकॉशंस हैं, वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको आपने मलहूज़े खातिर रखना है, अपने जहन में रखना है, तब घर बनवाना शुरू करना है. तो जनाब नोट पैड पकड़ लीजिएगा, कागज कलम आपके हाथ में होना चाहिए ताकि हसाम की कोई टिप हम आज मिस ना करें. और जनाब उसके अलावा आज हम रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के हवाले से, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खुसूसी नशिस्त का हम एहतमाम आज करने जा रहे हैं. क़िबला अयाज़ जो कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनसे हम कुछ बात करेंगे. बहुत ही दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव सेशन है जिसको मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ. तो ये है सब कुछ आज के ब्रेकफास्ट एट होम में आपके लिए. रही हमारे साथ, बहुत सी डाइवर्स किस्म की चीज़ें हैं जिनको हम एक्सप्लोर और अनफोल्ड करते चले जाएंगे, लेकिन एक चीज जिसके बगैर हमारा शो मुकम्मल नहीं होता वो है ट्रेनर तहमीना और ट्रेनर काशिफ. वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू. अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई. गुड मॉर्निंग. क्या हाल है काशिफ, क्या हाल है तहमीना? जी बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसे हैं? खैरियत? आई होप यू बोथ रेस्टेड वेल ओवर द वीकेंड. जी जी बहुत बहुत है ना. अच्छा, और अब फुल एनर्जी के साथ हमें नए टिप्स देने के लिए आप दोनों तैयार हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आपने एक अभी बात की, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर. आपने भी बात की कि एक जो चीज है कुछ नया करने की, खास तौर पे मेरा एक अपना पॉइंट है जो मैं इसको सोचता हूँ कि हमारे मुआशरे में मंडेज को खास तौर पे काम के एतबार से बहुत समझा जाता है कि यार सुबह काम पे जाना है, ऐसे क्या करेंगे काम, बोरियन, फिर मंडे बोरियत आ गई, फिर वीकेंड का इंतज़ार करते हैं. मैं समझता हूँ कि इसको ये भी एक ऐसा टैबू बन चुका है कि आपका साइकिल बिल्कुल ख़राब कर देता है. आप अपने जब तक काम को मंडे को मंडे समझे ही ना. नहीं, मंडे को मंडे समझे सोते रहे. नहीं, अपने काम को एंजॉय करें. पॉइंट ये है, आप अपने जब तक अपने काम से प्यार नहीं करेंगे, इश्क नहीं करेंगे, आप तब तक आगे बढ़ नहीं सकते हैं. तो ये भी एक एलिमेंट है. और आप अपने काम से इश्क करते हो, काम से प्यार करते हो, तो मंडे भी संडे है और संडे भी ट्यूसडे है और ट्यूसडे भी थर्सडे. एग्जैक्टली. बल्कि ऐसा होता है कि अमूमी तौर पे ये तासुर सामने आता है कि जब छुट्टी होती तो मैं बोर हो रहा होता हूँ कि यार काम नहीं है कुछ करने को,
तो ये एक ऐसा आपके लिए फिर हमारे पास एक टिप है, वैसे ट्रेनर आप हैं कि आप संडे को जब बोर होते हैं वैसे स्टूडियो खाली होता है, लाइटें बंद होती है, आप इधर आके ट्रेनिंग कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो रबीउल अव्वल मुबारक महीने का आपने बताया माशाल्लाह से। हमारा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों को उस वक्त के मुताबिक तैराकी सिखाएं, घुड़सवारी सिखाएं और तीरअंदाजी सिखाएं, उस वक्त के मुताबिक एक्टिव रखने के लिए। इसका फ़ायदा ये कि ताकि वो इबादत में भी ज़रा अच्छे हों और दूसरों को मदद करने के लिए आगे आगे हों। कितना मुफीद मशवरा दिए उन्होंने। तो आज इसी अच्छी नोट के साथ वर्कआउट का आगाज करते हैं। बिल्कुल जनाब। अच्छा जी, हमारे देखने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। और आप देखेंगे हमारे पास आज फिर रेजिस्टेंस बैंड्स हैं। कोशिश यही होती है कि आपको ऐसा वर्कआउट बताया जाए जो कि इजी हो। रेजिस्टेंस बैंड्स आप यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ हमारे पास है। 6 एक्सरसाइजेस हम आपके लिए लेके आए हैं, तो एक्टिव हो जाइए। मंडे का वार्म अप आप प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है काशिफ। हम स्टार्ट करते हैं जैक्स के साथ, वार्म अप आप कर लीजिएगा। और चूंकि देखेंगे हमारे पास काफी सारे रेजिस्टेंस बैंड्स है, इसका मकसद ये है कि आप जितना चाहे इसको इंटेंस बना सकते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। तो हमने पहले करना है कि पहली शुरू करते हैं। जी पहली शुरू करते हैं, ठीक है। उसका है कि जैक्स है, जैसे जंपिंग जैक्स आप लोग आम रूटीन में यूं करते हैं, बट नाउ वी गोना डू विद दिस। और उसके बाद फिर हम अब मॉडरेशन भी दे देंगे आप। बिल्कुल। अच्छा, ये अभी इसका मकसद ये है कि जो आपकी अपर बॉडी है, यू कैन सी, ठीक है कि इसमें रेजिस्टेंस आ रही है क्योंकि आप रेजिस्ट कर रहे हैं बेसिकली। सो यू कैन डू लाइक 20-25 रेपिटेशंस ऑफ दिस और फिर आपने रुक जाना है। ये एक तरह का वार्म अप भी है और एक तरह की एक्चुअल एक्सरसाइज। जी, जैसे हम थोड़ा सा बस उसको चेंज करने के लिए, चैलेंज देने के लिए। इसकी एक और ऑप्शन अगर आप मॉडरेशन बता दीजिए, मैं बता दूंगा। हाँ, दिखाइए जी, जंपिंग जैक्स के हवाले से ही एक और है। आपको आप ऐसे खड़े होंगे, हाथ ऐसे किया आपने एंड ऑल द वे अप। अब ये सेम वही आपकी एक्सरसाइज है जो पहले हम कर रहे थे। अगर आप इस तरह से भी करना चाहें तो यू कैन डू दैट। सिर्फ पाओं का ख्याल रखना है कि पाओं से रेजिस्टेंस बैंड निकलना है, ठीक है। अच्छा जी, अगली एक्सरसाइज हमने करनी है जिसको हम कहते हैं रिवर्स फ्लाइज। यस, ठीक है। सेम उसी पोजीशन में आपने खड़े होना है एंड देन यू पुश इट बैक। ये बैक शोल्डर वर्क कर रहे हैं जी, रेयर डेल्टॉइड्स के लिए है आपकी और ऑब्वियसली आपके शोल्डर एक्सटेंशन करने हैं आपने। अगर आप चाहेंगे तो आप किसी चीज के साथ इसको फिक्स करके भी एंड देन यू कैन डू द सेम थिंग। कैसे बता देते हैं जी, अभी जैसे काशिफ जैसे एक वॉल है तो आप इमेजिन करें कि एक वॉल है काशिफ एंड होप टू विकेट। यस, जितने रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएं। और ये डिपेंड करता है कि ये आप जिस पार्टनर के साथ कर रहे हैं उस ज़हन में रखेंगे उसके साथ हाल ही में कोई मसला मसाइल ना हो, क्योंकि बदला लेने का बहुत अच्छा मौका हो गया। अच्छा जी, ठीक है। फ्रंट रेज, हमारी फ्रंट रेज और साइड रेज करेंगे। जी बिल्कुल। तो आपने करना कि काशिफ ये मेरे लिए छोटी है, ये लीजिए ये लीजिए, थैंक यू। अच्छा जी, इसके साथ आपने करना क्या है, आपके अगेन आर्म्स एंड शोल्डर्स इन्वॉल्व हैं, आपने इसको पकड़ना है। सबसे पहले यू डू फ्रंट रेजेस और उसके बाद यू डू साइड। फ्रंट रेज करने के साथ ही आपने साइड रेज करना। अभी फ्रंट शोल्डर हैं आपके और आपके साइड शोल्डर्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा, बज़ाहिर साथियों बहुत ही आसान सी चीज लग रही है, लेकिन ये जो रबर इस्तेमाल हुआ है ये काफी रेजिस्टेंस देता जी, है जी, आपकी जी, बॉडी बिल्कुल, को बकायदा ऐसे लगता है जैसे आपने वेट्स उठाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा का पूरा वर्कआउट है। ऐसे नहीं है कि अगर आपने वेट्स नहीं उठाए हैं तो यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज, ये प्रॉपर एक आपकी एक्सरसाइज है। काशिफ हम सीटेड रो कर लेते हैं। सीटेड रोज, ठीक है। अच्छा जी, आप कहीं पे भी बैठ जाएं, वैसे आप जिम में जब होते हैं तो वहां पे बकायदा मशीन होती है, उसमें ये कि आपने इसको पांव में फंसा के, और रोइंग से मुराद कश्ती रानी जी, कि जैसे आप कश्ती चलाते हैं जितनी आपकी एनर्जी और पावर कश्ती का चप्पू चलाने में लगती है, वो जो कि बहुत ही मुकम्मल पूरी फुल बॉडी एक्सरसाइज कहा जाता है उसे, उसका मुकाबला ये है। तो आप बैठ के, अच्छा ये बैक का वर्कआउट है आपकी, मिडल बैक का, बेसिकली आपके आर्म शोल्डर्स ऑब्वियसली इन्वॉल्व हैं। अगर आपके पास घर में मशीन नहीं है तो आप टेंशन ना लीजिए, आप सेम इसी तरीके से बैठ के एंड यू कैन। और कुछ घरों में कश्ती भी नहीं होती ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको ये कि आप सेम ये आप जितनी टेंशन बढ़ाना चाहें हाथों को ऐसे करके रबर को खींच के और टेंशन बढ़ जाएगी। पटाका तो नहीं बोलेगा? नहीं विल डू अ पुशअप। अच्छा, पुशअप तो हम वैसे आम रूटीन में बहुत ज्यादा करते हैं। काशिफ हम सामने आ जाते हैं। अच्छा, सेम इसी पोजीशन में आपने करना क्या है, आपको बैक में रखना है, कमर पे पुशअप लपेट के आप आएंगे एंड देन यू डू। अब ये देखेंगे इट्स अ रेजिस्टेंस, टेंशन बढ़ गई है ना रेजिस्टेंस बैंड से, जैसे आपको कोई नीचे पुश कर रहा है एंड यू स्टिल डूइंग। और आप समझते हैं कि अगर टेंशन कम है तो आप इसको डबल कर लीजिए जी, मजीद टेंशन इंक्रीज करने के लिए और टेंशन बढ़ जाएगी जी, और ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगी,
आपकी ज़्यादा एफर्ट लगेगी। और जो बिगिनर लोग हैं, अगर वो काशिफ की तरह एडवांस नहीं भी करना चाहते हैं, जो खवातीन हैं या कुछ भी, तो दे कैन कम ऑन देयर नीस और वो स्टिल सेम इफेक्ट उनको मिलेगा। ठीक है काशिफ, आप लूप थ्रू करके बता दीजिएगा एब्स के लिए। लूप थ्रू की जो एक्सरसाइज है जी, इसमें थोड़ी एडवांस एक्सरसाइज है ये, जैसे हम वी अप्स लगाते हैं मिसाल के तौर पे, ये एब्स के लिए जी, और हम रेजिस्टेंस बैंड की मदद से जैसे आप सर्कल कर रहे हैं, कोई चीज आपने पांव में फंसाई है और उसके बाद फिर आप उसको निकाल रहे हैं, तो इट्स मोर डिफिकल्ट, इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। तो ये भी आप 10 से 15 यानी 10 से 15 दफा आप रेपिटेशंस करेंगे और आराम से बैंड को रख के बिल्कुल एहतियात से उठना है। देखने में आसान लग रही है बट टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। तो ये थी तो हमारी 6 एक्सरसाइजेस थी, वेरी नाइस, बहुत इंफॉर्मेटिव। इसमें दो मुझे भी नई एक्सरसाइजेस मिली जो कि मैं आज अपने जिम में उसको ट्राई आउट करूंगा। ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर थैमिरा, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आप चल के लें जनाब, बल्कि हम चल के लेते हैं आपके साथ मिलकर एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक, और मशहूरिया ब्रेक के बाद जैसा कि मैं आपको बता रहा था एमबीए मेरा साथ दे रहे हैं, और आज हम कुछ डिज्नी की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं कि ये कौन था और ये किसने कैसे जिंदगी में बच्चों स्ट्रगल की, और स्ट्रगल करके आखिरकार अपने ड्रीम को इसने पा लिया, और डिज्नी स्टूडियोज आज भी दुनिया के अंदर एंटरटेनमेंट और हैप्पीनेस और कह कहे बिखारने के लिए काम कर रहा है। रही मेरे साथ, अभी मिलाते हैं आपको एमबीए से। आपको पता है सेगमेंट में मैं आपके साथ लेके आता हूँ अपने बहुत से क्लास फेलोज, लेकिन कल मेरे क्लास फेलो की बर्थडे थी और मैं ज़ाहिर कल शो नहीं हुआ, मैं आज उसको बर्थडे विश करना चाहता हूँ, और वो है मिकी माउस। हैप्पी बर्थडे टू यू मिकी माउस, मे यू हैव मेनी मेनी मोर। इसलिए कि मुझ जैसे बच्चों और एमबीए जैसे बच्चों के चाइल्डहुड जो है वो मिकी माउस के बगैर मुकम्मल होने से, क्योंकि हर चाइल्डहुड के अंदर कार्टून होते हैं वो अपने डिफरेंट एज के होते हैं, और एक चाइल्डहुड के अंदर कार्टून नहीं होते, वो तो बहुत ही डल बोरिंग सा होता है। लेकिन जैसे कार्टून इवॉल्व होते हैं और जिस तरह उनकी एक फॉर्म आती है, मिकी माउस जो है चाहे वो 3D एनिमेशन में हो 2D एनिमेशन में हो, हम सब के साथ रहा है और रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज मिकी माउस के जो क्रिएट करने वाले हैं वॉल्टर डिज्नी, उसकी कहानी एमबीए लेके आए हैं के, और बहुत ही मजेदार बच्चों कहानी, इसको इसलिए भी सुनिए गौर से कि आपके भी जो जिंदगी में ड्रीम्स हैं आप उन्हें कैसे अचीव कर सकते हैं, इसकी ये भी हमें डिज्नी की कहानी से पता चलता है। हां जी बताइए, डिज्नी कहां पैदा हुए, क्या 1901 दिसंबर 5th के अंदर जो वॉल्ट डिज्नी थे, वॉल्टर लाइज डिज्नी, वो मिजोरी में पैदा हुए थे। एंड व्हेन ही वाज 4 इयर्स ओल्ड ही शिफ्टेड टू कैंसस के एरिया में वो गया था, और उसके बाद उसने बेंटन स्कूल के अंदर एक एडमिशन लिया जहाँ पे उसका दोस्त वॉल्टर जो था उसने उसको मोशन पिक्चर्स और एनिमेशन के अंदर एक आइडिया दिया, और वो कैसे थी। अब जो वॉल्टर है उसने उसके अंदर एक कार्टूनिंग जैसे शुरू की, उसने ड्राइंग शुरू कर दी, और एक फार्म हाउस पे रहता था वो फार्म हाउस जैसे एरिया पे, और वहाँ पर उसने बेसिकली एक ड्राइंग की थी हॉर्स की, और उसको उसके लिए पैसे मिले थे, उधर से उसके ड्राइंग का इंटरेस्ट बना। और यहाँ पे एक पॉइंट ये साथियों नोट करना जरूरी है कि वो फार्म हाउस पे रहता था, यानी फार्म हाउस पे बहुत से जानवर होते हैं, और वो देखो जी ये डिज्नी की पिक्चर है जबरदस्त विद मिकी माउस जी। अच्छा जी, यानी उस फार्म हाउस पे चूहे भी थे, इसका मतलब ये हुआ चूहे तो थे। Great. जब वॉल्ट डिज्नी 16 ईयर्स के थे तो वो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी को ज्वाइन करना था, लेकिन ही वाज रिजेक्टेड क्योंकि वो बहुत यंग थे, इसलिए उन्होंने डेट ऑफ बर्थ को चेंज किया और उनको रेड क्रॉस में भेजा जहाँ पे उन्होंने फ्रांस के लिए एक साल वॉर में हेल्प करने के लिए एम्बुलेंस चलाई। अच्छा, फिर वो नवम्बर में वापस आए, उसके बाद उन्होंने अपने कार्टूनिंग का एक शौक शुरू किया। अब उनको एक दोस्त मिला ऊब आईवर्क्स, और उसके जो ऊब आईवर्क्स दोस्त था उन दोनों में मिलके ड्राइंग्स की, उन दोनों ने मिलके एक पैशन बना लिया, एक अपना होप बना लिया कि
अब हम इस दुनिया को बदलेंगे और वो सिर्फ अपने हाथ और पेंसिल से बदलेंगे। वाओ। और जो क्योंकि डिज्नी ने वॉर की भी हालात देखे थे, उसमें किलिंग्स, ब्लडशेड और जंग फसाद देखा था। उसने आर्मी के लिए उधर भी कॉमिक्स बनाए थे और उन्होंने मिकी माउस नहीं खाया क्योंकि उस वक्त मिकी माउस था नहीं, लेकिन उसने ड्राइंग्स बनाई थी, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइंग्स, ताकि वो आर्मी के अंदर भी हैप्पीनेस ला सके। उसको ये ना कि दिस इज वॉर वॉर वॉर, उसने उनको हेल्प किया उसके थ्रू। ग्रेट। सो ये जो सारे डिज्नी के कार्टून हम देखते हैं, इसके पीछे भी एक मैं कहूँगा एक रिवॉल्ट था, एक कहानी थी कि इस जंग फसाद का खात्मा जो है वो भी कलम से और हैप्पी क्रिएचर से, हैप्पी क्रिएशन से, हैप्पी कैरेक्टर से हो सकता है। जी बिल्कुल। तो जो वॉल्ट डिज्नी था उसने अपने भाई के साथ डिफरेंट कार्टून की न्यूज़पेपर्स को डिलीवर करना शुरू किया और फिर उसने क्रेयॉन्स और वाटर कलर पेंट के साथ भी शुरू कर दिया, क्योंकि जो वो न्यूज़पेपर्स वो डिलीवर करता था वो रायन वॉकर के थे, जो ड्राइंग्स करता था डिफरेंट कलर की। फिर उसने ऑसवाल्ड बनाया। अब ऑसवाल्ड जो था वो उसका पहला कार्टून कैरेक्टर था, और जब उसने एक बुक में उसको ड्राइंग की, उस वक्त तो मोशन पिक्चर वो बना नहीं पाया टीवी पे, उसने एक बेसिकली ओबाइबल के साथ एक छोटी सी बुक बनाई जिसको लाफोग्राम्स कहते थे, और जो भी एक ड्राइंग करता था वो उसके अंदर रिकॉर्ड कर देता था। अच्छा। उसके साथ वो एक फ्लिप बुक जैसे होती है। हाँ। उसको आप इस तरह करते हैं और फिर वो द कैरेक्टर्स कम टू लाइफ। बहुत से पेजेस को आप करके एक साथ देखें तो वो एक पूरा मूविंग विजुअल बन जाता है। उस तरह के वो बनाता था, और जब लाफोग्राम इतनी सक्सेसफुल हो गई थी तो उसने लाफोग्राम स्टूडियोज बनाया, जहाँ पे वो इस तरह के ही फ्लिप बुक के साथ चीजें बनाता था। वो एक रेडियो, लेकिन वो लोग टीवी पे देख सकते थे। जो उसको उससे इनकम सोर्स आती थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो इस बिजनेस को चला पाए, इसलिए उसने एलिस इन वंडरलैंड, जो आज तक हम बहुत फेमस मूवी देखते हैं, वो उसने लिखी। लेकिन उस ज़माने में किसी ने ख़रीदी नहीं, उसने ना उसकी कोई राइटिंग खरीदी, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्टर थी जिसने इसकी स्टोरी पढ़ी और कहा मैं इसके ऊपर एक सीज़न बनाऊँगी जिसमें 6 एपिसोड दूँगी, और उसको पैसे मिल गए 6 एपिसोड के बाद। लेकिन उसको उन्होंने इतने लेट दिए कि लाफोग्राम जो बिजनेस था वो लेट चला, वो उसको सेव नहीं कर पाया, और उसका पहला बिजनेस बैंक्रप्सी में चला गया। अच्छा, लाफोग्राम बैंक्रप्ट हो गई। जी बैंक्रप्ट हो गई। और फिर उसने ऑसवाल्ड को फिर रिक्रिएट किया। ये मैं आपको इधर बोल के बताना चाहूँगी, ट्राई टू फेल बट नेवर फेल टू ट्राई, क्योंकि उसका एक बिजनेस बैंक्रप्ट चला गया, लेकिन ही डिडंट स्टॉप फॉर वन सेकंड, ही नेवर लुक बैक के यार मैं सही कर रहा हूँ, क्या पता दूसरा बिजनेस भी बैंक्रप्ट चला जाए। नो, ही नेवर थॉट दैट, कि कल आनी है तो आनी है, गो फॉर इट, अगर हो गई तो मैं रोऊंगा बैठ के कि मैंने इसको इस ऑप्शन को क्यों नहीं टेक किया, मैं तो दुनिया का सबसे फेमस इंसान बन सकता था लेकिन मैंने नहीं लिया। इसलिए ही कंटिन्यूड विद हिज लाइफ इन ड्राइंग एंड आर्ट, ही एक्सीडेड इन हिज पैशन। जबरदस्त। और उसने जब ड्राइंग्स बनाई तो उसने ऑसवाल्ड बना दिया, ऑसवाल्ड, और ऑसवाल्ड जो था ही डिस्प्लेड इट ऑन टीवी और वो इतना फेमस हुआ। लेकिन फिर फ्रिज फ्रीलिंग आया और उसने उसको थ्रेड दिए कि अगर आपने हमें कार्टून नहीं दिया, क्योंकि उसने कहा था हमारे क्लेम्स हैं कि हमारे पास एक भी इस तरह का कार्टून है, अगर आपने नहीं दिया तो हम आप पे केस कर देंगे। और जो आधी टीम थी एनिमेटर्स की वो सारी वॉल्ट डिज्नी की साइड छोड़ के उसके पास चली गई, डर के मारे कि हम पे भी ना केस हो जाए, सिवाय ऊब आइवर्स, उसका दोस्त के साथ हर वक्त रहा वॉल्ट डिज्नी एंड ऊब आइवर्स ऑन द स्ट्रीट अगेन। लेकिन उन्होंने फिर शुरू की ड्राइंग, फिर यानी तीसरी दफा फिर सड़क पे आ गई कंपनी। मैं कहूं थर्ड टाइम द चार्म, उसने मिकी माउस सुना और जो उधर से उसकी पॉपुलैरिटी ग्रोथ हुई, से बूम ऊपर गया वो, बच्चों ने हंस हंस के, और पहले तो उसने बनाने की कोशिश की कार्टून, उनको इतना पॉपुलैरिटी नहीं मिली। लेकिन जब भी हम कोई डिज्नी मूवी देखते हैं तो उसके अंदर एक एनिमेशन टाइप आती है, जो मिकी विसल कर रहा होता है और वो एक शिप को चला रहा होता है। बिल्कुल, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर बड़ी खराब सी उसकी अब क्वालिटी है, और वो यस वो एक बेरी जहाज को चला रहा है, मिकी माउस को चला रहा है। ये पहली विजुअल थी, ये पहली वॉइस वाली थी जहाँ पे मिकी विसल कर रहा था, जहाँ पे गुस्से के साउंड इफेक्ट थे। दिस वाज द फर्स्ट एवर साउंड के साथ साउंड इफेक्ट कार्टून, इसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी ग्रो हुई और फिर डिज्नी स्टूडियोज बने और उसने पहली डिज्नी स्टूडियोज की मूवी बनाई।
स्नो व्हाइट एंड द सेवन डॉर्फ्स उसको पसंद नहीं थी स्नो व्हाइट एंड द सेवन डॉर्फ्स यस बिल्कुल उसको पसंद नहीं आई मूवी अच्छा ही थॉट देखते हैं क्या बनता है इसका ये डिज्नी स्टूडियो की तस्वीर है जहां पे जी यहां पे पहली मूवी बनी थी पूरी दुनिया अब जाती है ये तो अब एक टूरिस्टिक साइट भी है ये 1960s में था एक्चुअली अब मैं आपको एक नई पिक्चर दिखाएं कैसा लगता है इससे अगली पिक्चर दिखाइए जी एमबीए कह रहे हैं इससे अगली पिक्चर ये है ये 2018 के अंदर जी अच्छा और मैं ये कहना चाहूँ कि जब उसने पहली मूवी बनाई तो उसने कहा चलो ये भी मुझे फेमस नहीं लगी लेकिन उसको 1.5 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी क्योंकि वो पहली कलर्ड फिल्म थी ठीक है और वो भी बहुत फेमस हुई लेकिन आने से पहले लोगों ने कहा ये तो फेल हो जाएगा ये तो फेल हो जाएगा बट ही नेवर लुक बैक ये तो बन ही नहीं सकेगी बन ही नहीं सकेगी लेकिन वो सिर्फ इसको नीचे करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने एक चीज सीखी थी कि लोग तो जिंदगी के अंदर अपने मतलब के लिए आपको बहुत जाया करेंगे हालांकि उनको पता है आपने सक्सीड करना वो कहेंगे नहीं करोगे इसलिए यू डोंट हैव टू लिसन टू देम यू जस्ट हैव टू गो विद योर ओन पैशन एंड इन द एंड इफ इट्स गुड फॉर यू यू विल सक्सीड इन इट तो लोग आपको जितना भी गिराने की कोशिश करें आपने गिरना नहीं है बच्चों आपको अगर पता है कि आपके अंदर सिंसेरिटी है आप अपने पैशन से मोहब्बत करते हैं एक फेरोसिटी है अगर आपने एग्जैक्टली तो आप अपने गोल को अचीव करेंगे आपने हार नहीं मानी डिज्नी की हमें कहानी वॉल्टर डिज्नी की कहानी से पता चलता है कि कम से कम जिंदगी में तीन मौके ऐसे आए कि जो वो बिल्कुल सड़क पे आ गया एक पैसा भी जेब में नहीं और लेकिन ही स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच He took his pencil and he kept drawing away. उसका mind wander करता था। और इस वक्त तो Disney Studios की animations पूरी दुनिया में MBA मेरा ख्याल है। वो तो फिर आज राज कर रही हैं। 2019 The Grinch इस तरह की इतने मजे-मजे की movies आ रही हैं जो 20 जैसे The Lion King है वो भी हर किसी ने देखी है। उसका 2019 Lion King का तो मैं एक-एक scene आपको बता सकता हूँ किस scene के बाद कौन सा scene आएगा मैंने इतनी दफा देखी है। मुझे ज़बानी याद होगी वो तो मेरे भाई की बचपन की है मूवी ऑफ कोर्स तो मेरा तो अभी बचपन चल रहा है तुम्हारे भाई ने तो पहले देखी होगी मैं भी जब बड़ा होऊंगा तो मैं भी मुड़के कहूंगा मैंने देखी थी सो एमबीए थैंक यू सो मच भाई एमबीए जब बोलना शुरू करे तो मेरा तो दिल करता है हम सुनते चले जाएं माशाल्लाह ही इज फुल ऑफ एनर्जी नॉलेज एंड द वे यू टेल अस द स्टोरी सो वॉल्ट डिज्नी की कहानी बच्चों आपको कैसी लगी आपने हमें जरूर बताना है ब्रेकफास्ट एट होम हमारा फेसबुक पेज है उस पर आप हमें इनबॉक्स कीजिए बताइए एमबीए को कोई टॉपिक दीजिए कि अगली प्रेजेंटेशन ये किस पे लेके आए हैव अ गुड डे एमबीए थैंक यू और हाँ आपको हम कहेंगे आप चल के लें जनाब एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक के बाद हसाम खान हमारे साथ होंगे और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हसाम आज हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस कुछ एहतियाती तदाबीर बताने जा रहे हैं जो हमने जहन में रखनी है घर बनवाने से पहले इंपॉर्टेंट रही मेरे साथ अभी मिलते हैं घर बनाना है चलो जी घर बनाते हैं घर बनाने के क्या चाहिए पैसे आगे घर बना लेते हैं नहीं इतना आसान काम नहीं है पैसे जाया भी हो सकते हैं अगर आपने घर बनाने की शुरुआत में और बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की तो बाद में पछताना भी पड़ सकता है ये सारी वो बातें हैं जिनको सुन के मैं तो डर जाता हूं मैं कहता हूं मैं कभी घर नहीं बना सकूंगा लेकिन हसाम जैसे दोस्तों से मिलकर मुझे होती है इनकरेजमेंट और हमने सोचा कि हसाम की इस एक्सपर्टीज को अपने शो ब्रेकफास्ट एट होम में आपके लिए भी लेकर आए गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम हसाम अल्लाह का शुक्र ठीक है ठीक ठाक और आज आपने हमारे बहुत से मसाइल का हल करना है ये पता है आपको कोशिश करेंगे घर बनवा के उठना आज इंशाल्लाह ये नो आधे में छोड़ के चले जाओ ये जो कॉन्ट्रैक्टर भाग जाते हैं आधे में ये भी बड़ा मसला हो बिल्कुल बहुत मसला हो तो इसलिए मेरी पहली सजेशन ये है कि एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें जब भी करें अच्छा जी तो वो एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर को बेचारे को एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा अगर उसे कोई हायर ही नहीं करेगा नहीं आप उसको पहले उसका काम देखें और उसका जब आप उसका घर बने हुए देखें उसके बाद उसकी हायरिंग करें कभी भी नया कॉन्ट्रैक्टर या कोई ऐसी चीज ना हायर करें जो आपको बाद में तकलीफ दे और वो भाग जाए अच्छा और हमेशा किसी रेफरेंस से जाए ताकि उसको एक कमिटमेंट जी बिल्कुल सो पहला टिप तो ये है जी घर बनाना शुरू करने से पहले के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो थोड़ा सा डिपेंडेबल रिस्पॉन्सिबल हो किसी रेफरेंस से आ जाए उसकी जिंदगी में छोड़े हुए घर जो है अच्छा जी उसके बाद बताएं जी घर शुरू करने से पहले
क्या हमें और चीज़ों का करना ज़रूरी है? पहला पॉइंट, सबसे पहले तो हम ये छोटे मोटे प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस, ठीक है? तो उसमें सबसे पहले तो हम बुनियाद से शुरू करते हैं, जो हमारी फाउंडेशन होती है, ठीक है? जो फाउंडेशन बेसिकली आप जब डेक करते हैं तो उसमें हमने देखा होगा, आप जिस घर में भी जाते हैं 3 से 4 साल बाद वो बेचारे कंप्लेन कर ले होते हैं कि जी हमारा तो सॉलिड वुड का दरवाजा था वो दीमक खा गई। हाँ, इस तरह की चीजें आपने देखी होंगी, किचन की कैबिनेट्स लटक जाती हैं। बिल्कुल। तो जब भी उसका बेसिक हल ये है कि जब आप फाउंडेशन आप घर की खोदें तो उसमें किसी टीम को हायर करें जो उसमें एंटी टर्माइट स्प्रे करें। अच्छा, अभी घर शुरू नहीं हुआ जी, अभी बुनियाद, अभी सिर्फ बुनियाद खुदी, उस वक्त ही दीमक का स्प्रे होना चाहिए जी। और इसकी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूँ कि दीमक कभी भी इट डजंट डाई, अगर वो 100 फुट पे बैठी आप स्प्रे करेंगे वो 300 फुट पे चली जाएगी। तो स्प्रे से ये होगा कि आपके प्लॉट के अंदर एक शील्ड क्रिएट हो जाती है जिससे वो अगर दोबारा आना तो उसके लिए मुश्किल होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो हसाम जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही डिटेल में जाके काम करने वाले आर्किटेक्ट हैं, इनकी दूसरी टिप कि जब बुनियादें खुदें तब ही टर्माइट कंट्रोल का स्प्रे होना चाहिए। उसके बाद जो हम करते हैं वो ड्रिल्स वाला मशीन वो उतना पायदार नहीं होता, 2 से 3 साल बाद वापस आ जाती है। ठीक, तो स्प्रे वाला जो जी, स्प्रे वाला वो आपका हमेशा। बिल्कुल ठीक है जी, नेक्स्ट टिप क्या है आपकी? अच्छा, नेक्स्ट टिप तो इसको लेके ही चलते साथ, जैसा कि फाउंडेशन ऊपर आती है तो वो एक फिर प्लिंथ बीम का स्टेज आ जाता है। ठीक है, प्लिंथ बीम ये होता है कि वो जब आपका जितनी भी वॉल्स होती है ना वो उस पर सारा जो लोड होता है वो प्लिंथ बीम पे आता है आपका। तो आपने मेक श्योर करना है जो आपका प्लिंथ बीम है उसका लेवल 1 होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अमूमन ये देखते हैं हम साइड पे कॉन्ट्रैक्टर या जो भी ये गलती करते हैं कि उसका लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है और जिसकी वजह से उसके घर की पूरी स्ट्रेंथ में फर्क आता है। और प्लिंथ बीम का जो मेन दूसरा फंक्शन वो ये है कि इट एक्ट्स एज अ डीपीसी, जिसको आप कहते हैं, आप घरों में जाते हैं तो हम देखते हैं अमूमन पूरी दीवार पर सेम आई होती है, सीपेज आई होती है। तो सीपेज का रोकने का मेन मकसद ये होता है कि आप उसकी डैम प्रूफ कोर्स करें जिसको आप डीपीसी बोलते हैं, डीपीसी करवानी जरूरी है जी। अच्छा, ये जो आप टिप्स दे रहे हैं, चाहे बड़ा घर है छोटा घर है, ये हाई राइज में भी चलती है, हाई राइज बिल्डिंग है, कुछ भी है, कुछ भी है उसमें। ये जो दीमक के हवाले से जो प्रिकॉशंस है या सीपेज के हवाले से प्रिकॉशंस है, ये बिल्कुल शुरू में साथ साथ लेनी है। वो आपने देखा होगा जब भी आप देखते हैं कि सीपेज आई होती है वो हमेशा वॉल में आती है, हम देखते हैं यार इधर तो कोई बाथरूम भी नहीं है, कोई शायद पाइप लीक कर रही हो लेकिन कोई कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपकी सीपेज है। तो मेन जो आपका सीपेज का होता है वो थ्रू द ग्राउंड आती है, तो आपने ये कोशिश करनी है जो आपका फिनिश फ्लोर लेवल है और डीपीसी लेवल है वो एक साथ कोइंसाइड करें, ठीक है? ताकि आपके पानी को एक वो एक सील बना देता है, पानी को ऊपर आने से रोकता है। अगर वो 3-4 इंच ऊपर नीचे होगा फ्लोर लेवल तो पानी सीपेज कर जाएगा उस 3-4 इंच में से भी, और आपकी वॉल पे थोड़ा नमूदार होगा। और पानी को तो बस रास्ता चाहिए जी, तो वो बेसिकली आपको सील क्रिएट करनी होती है, तो अब आपको ये लेवल देखना होता है वो साथ है कि नहीं है। और ये इस तरह की प्रिकॉशंस जो है वो लाइफ लॉन्ग जब तक घर की उम्र है जितनी भी जी बिल्कुल वो चलती हैं फिर इंशाल्लाह ऐसे ही। ग्रेट। नंबर 3 है जी, ऑन लिंटल लेवल मेक श्योर के बेंड बीम इज रनिंग ऑल अराउंड द वॉल्स। बिल्कुल, उसका अंग्रेजी ऊपर से गुजर गई नहीं मैं आपको अगर हम स्लाइड भी दिखा सकते हैं इसकी जी जी, लिंटल बीम की, ये बेसिकली लिंटल बीम है आपका, ठीक है? उमन हम ये गलती कर जाते हैं आमतौर पे कॉन्ट्रैक्टर लोग पैसे बचाने के लिए करते हैं कि उसको उमन आउटर वॉल्स पे फेरते हैं जी, लेकिन मेरी आपको सजेशन है कि आप इसको इंटरनल वॉल्स के ऊपर भी फेरें। उसमें ये होता है, उसका फायदा ये होता है कि जब आपका घर बनता है उसके 1-2 साल बाद कुछ क्रैक्स नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? खुदा ना खास्ता सेटलमेंट के क्रैक्स नहीं होते, वो बेसिकली आपके मटेरियल सेटलमेंट के क्रैक्स होते हैं जिसको आप 1 साल बाद दोबारा फिलिंग करके फिर एक खर्चा करते हैं। वो खर्चा जो आप इधर बचाते हैं उसको इंटरनल वॉल्स के फेरने के बावजूद वो उधर आपका लग जाता है। वो कहते हैं महंगा रोए एक बार, हाँ, सस्ता रोए बार बार जी। तो आप कोशिश करें जो लिंटल बीम है उसको थ्रू आउट पूरे घर पे इंटरनल वॉल्स और एक्सटर्नल वॉल्स। अच्छा, लिंटल से क्या मुराद है? लिंटल बस एक लफ्ज है? नहीं, लिंटल आपका जैसे होके जैसे विंडो के ऊपर एक लिंटल कहलाता है, ये जो है इसका लिंटल लेवल है। ओके, इसको हम टाई बीम भी बोलते हैं। बेसिकली इसका मकसद होता है घर को एक जोड़ देता है आपके पूरे। और वो बिल्कुल सही, जैसे कि उस तस्वीर में हम देख रहे थे कि वो जो इंटरनल बीम है उस पे भी वो उस पे भी चल रहा था, उस पे भी चल रहा था। बिल्कुल ठीक है जी। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है सीढ़ियां। द स्टेयर्स शुड बी मिनिमम 3 feet 9 inches वाइड फॉर इजी एक्सेस जी। ये बेसिकली ये हमारे सेट थंब रूल्स होते हैं। बेसिकली जितना बड़ा आपका घर है उसके हिसाब से आपका स्टेयरकेस होना चाहिए, लेकिन आप कोशिश करें कि आपका जो राइजर है उसका लेवल सारा कॉन्स्टेंट हो। ये ना हो कि जी
कोई 6 इंच पे आ रहा है, कोई 7 इंच पे, उस पर खुदा ना खास्ता ठोकर लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो आप कोशिश करें कि उसको डिवाइड करें इक्वली लेवल्स पे. अच्छा. अगर 6 इंच है तो थ्रू आउट 6 इंच का ही जाए, ये ना हो कि आखिरी लेवल 7 इंच. और ये वैसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है जिंदगी में, जब आप पहली 4-5 कदम लेते हैं सीढ़ियों पे और आपकी बॉडी इन ट्यून हो जाती है, और साइकोलॉजिकली आपको पता होता है आपने कदम कितना ऊंचा उठाया. बिल्कुल ऐसी वो अचानक थोड़ी सी ऊंची आ जाए तो ठोकर लगती है कि इवन नीचे आ जाए तब भी आप टंबल करने बिल्कुल का एहतमाल होता है. बिल्कुल. तो थंब रूल है जी 3 feet 9 inches. थंब रूल बेसिकली ये तो उसका है कि आपको डिवीजन इक्वल होनी चाहिए. डिवीजन इक्वल होनी चाहिए. ये 3 feet 9 inches तो आपका कंफर्टेबल एक साइज होता है जिसमें आपका सामान वगैरह उस तरह से चीजें जा सकती है, लेकिन इससे कम भी रख सकते हैं जिसमें आपकी कम्फर्ट लेवल और आपका जो प्लॉट है उसके हिसाब से आप स्टेट. लेकिन वो जितना भी हो वो इक्वल हो. जी वो इक्वल हो. इम्पोर्टेंट पॉइंट. अच्छा जी, अगला है बिफोर द रूफिंग इज डन कॉल द कंसर्न इंजीनियर फॉर द सुपरविजन. बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि जब आप लोग जब भी छत डालें या उस पर कॉन्क्रीट करो तो कंसर्न इंजीनियर को जरूर उसकी सुपरविजन के लिए बुलाएं. कंसर्न इंजीनियर कौन होता है? जो आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है या जो आर्किटेक्ट आपने हायर किया होता है उसकी पूरी टीम को उधर बुलाएं ताकि आप उसको चेक कर सके जो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग उसने सब कुछ फॉलो किया या नहीं किया. अगर कोई से अमूमन नहीं होता कॉन्ट्रैक्टर से कभी कभार मिसिंग हो जाती है कि कोई स्टील कम डलता है तो उसमें आपकी सारी ये वाली जो चीज़ें होती हैं मिस हुई होती हैं वो उसको साइड पर आके समझा देते हैं. यानी कि एक प्रॉपर पढ़े लिखे इंजीनियर का काम है ये चाचा मुदस्सर जो है वो नहीं कर सकते. चाहे चाचा मुदस्सर ने जिंदगी में 3 घर बनाए हैं तो मैं चाचा मुदस्सर को बुला के जरा पूछवा लूं, चाचा ही देखो ठीक हो जा रहे हैं आप उतर ठीक जा रहे हैं. नॉट लाइक दिस, है ना? बिल्कुल ठीक है जी. अगला पॉइंट है टैंक्स. जी, इंपॉर्टेंस ऑफ सेप्टिक टैंक्स, प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ स्लज टैंक इन द बेसमेंट्स. बिल्कुल, अगर आपने देखा होगा आमतौर पे जो सेप्टिक टैंक है घर पे सबसे एंड में बनता है और वो एंड में होते 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 वो मेसी हो जाता है क्योंकि आपके उस वक्त ऐसे हालात होते हैं कि आप कर रहे होते हैं यार खर्चा बचे, मेरा खर्चा बचे कहीं ना कहीं. तो अमूमन इसका जो फंक्शन होता है वो हमें समझने की ज़रूरत है. जैसे आपका घर एक सेंचुरी की तरह होता है, ठीक है, उसके बाहर बाहर चल रहा होता है एक मैन होल, ठीक है, जिसमें सारे दुनिया जहाँ सारी स्ट्रीट का गंद उसमें जा रहा होता है. और अगर आपको कभी मौका अल्लाह ना करे मिले अगर आप उसको खोल के देखें उसमें कोई लाखों की तादाद से कॉकरोचेज होते हैं. ठीक है. तो सेप्टिक टैंक का बेसिकली मकसद होता है वो एक्ट करता है फिल्टर आपके घर के दरमियान और मेन होल के दरमियान. ओके. इट एक्ट्स एज अ बफर और फिल्टर जिसमें आपके कॉकरोचेज को भी सीधा रास्ता नहीं मिलता घर के अंदर आने का. और सेप्टिक टैंक बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. और लोग इसको बाईपास कर जाते हैं. इसको बाईपास कर जाते हैं कि जी एक और टैंक बनाए, 2 और 3 ऑलरेडी बना लिए, अब चौथा ही बनेगा. लेकिन वो जरूरी है, सबसे जरूरी मेरे. और चाहे प्लॉट हसाम छोटा है बड़ा है सेप्टिक टैंक होना चाहिए. जरूर होना चाहिए. चाहे 5 मरले का है या 10 मरले का या 2 कनाल का, आपका सेप्टिक टैंक एक फिल्टर एक्ट करता है जो आपके सीवेज को मेन होल तक जाने के दरमियान एक एक बफर है. बिल्कुल जी. आपको जो और पॉइंट पे दूसरा एक पॉइंट उसका मैं बताना चाह रहा था कि आपको जो प्लम्बिंग है उसके हवाले से कुछ 3-4 पॉइंट्स थे कि प्लम्बिंग एक घर की जान होती है. अगर वो फेल हो जाए तो आपका प्रोजेक्ट फेल है मेरी नज़र में. ठीक है. तो आपको एक 2-3 चीज़ें जो आपको कोशिश करनी चाहिए प्लम्बिंग के वक्त आप उसको मद्देनजर जब आप अपना बाथरूम खास तौर पर डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें एक तो ये कोशिश कीजिए कि आपका जो सॉल्ट सोप वाटर है और दूसरा जो आपका ग्रे वाटर है उसकी दोनों लाइनें अलग अलग रखें. सॉयल वाटर और ग्रे वाटर की. सॉयल वाटर आमतौर से जो आपका ग्रे वाटर होता है उसमें ये होता है कि आपका जो साबुन धो रहे हैं सर्फ हो गया शैम्पू हो गया वो लाइन आपने जो आपका सॉयल वाटर है WC का जो ह्यूमन वेस्ट होता है उससे आपने अलग रखना है. ओके. और उसको ही आपने और ये सेप्टिक टैंक तक अलग जाएगा. ये सेप्टिक टैंक तक अलग जाएगा. अगर अमूमन हम ये गलती करते हैं उसको आगे जाके मिला देते हैं जिससे आपके फिर बाथरूम में स्मेल और डिफरेंट किस्म के ओडोर्स आते हैं क्योंकि दोनों लाइन्स मिल चुके हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट जी. तो उसका ये सबसे मेन मकसद है कि आप उसको दोनों लाइनों को अलग अलग नीचे उतारे और वो सेप्टिक टैंक में. ये क्या बहुत ज्यादा खर्चे वाली बात है? नहीं, कोई खर्चा नहीं है इसमें, सिर्फ थोड़ी सी समझ. जी, थोड़ी समझ की. और दूसरा ये भी कोशिश करें जो आपका WC है उसको आउटर वॉल पे रखें. ठीक है. एक्सटर्नल वॉल जो आपकी, ताकि खुदा ना खास्ता अगर सीपेज आए या कोई पाइप उसका तो ज्यादा तोड़फोड़ ज्यादा ना करनी, तोड़फोड़ ज्यादा ना करनी पड़े और सीपेज आपकी अंदर इंटरनल वॉल पे ना आए. ग्रेट. अच्छा जी, आप थोड़ी सी बात करते हैं विंडोज की. जी, विंडोज एंड वेंट्स, इस हवाले से क्या टिप्स है आपके पास? विंडोज का बेसिकली आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका अगर घर की फेसिंग बेसिकली पहले तो आप प्लॉट ऐसा लें जिसकी फेसिंग नॉर्थ या वेस्ट हो, ईस्ट हो सॉरी,
अगर हम अपना विजुअल दिखा सके ये वाला, इसमें आपका जो देखिए सनराइज हो रहा है उधर से आपका मॉर्निंग सन मिलता है आपको ईस्ट साइड से, ठीक है, तो वो थोड़ी देर के लिए वहां से सनराइज होता है, साउथ से जाके वेस्ट में सेट होता है, तो आप कोशिश करें जो आपकी विंडोज है वो ज्यादा से ज्यादा ईस्ट साइड पे हो और नॉर्थ साइड पे हो। अगर आपका खुदा ना खास्ता प्लॉट ऐसा है कि आपका साउथ फेसिंग है तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि विंडोज की इंसुलेशन पे जा सकते हैं, डबल ग्लेज विंडोज दे सकते हैं या फिर हम स्लिट विंडोज दे सकते हैं। अगर हम विजुअल दिखाएं स्लिट विंडोज का, इससे अगला वाला स्लाइड अगर हम दिखाएं जी, ये जैसे अगर साउथ फेसिंग तो आप विंडोज की डिजाइनिंग ऐसी कर सकते हैं कि आपको धूप कम से कम अंदर आए, गर्मी और वो दिखने में भी कितना खूबसूरत है, वो दिखने में भी आप उसको खूबसूरत बना सकते हैं। यानी सूरज का तुलू होना और गुरूब होने का जो रुख है जी, वो भी घर बनाते हुए शुरू से ही देखे, बिल्कुल है ना जी, ये ना हो कि बस वो बाद में जब बन गया तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि ओहो ये तो सूरज। सेकंडली आपको ये भी प्राइमरीली आपका एक फंक्शन होता है क्रॉस वेंटिलेशन का, उसमें अमूमन ये गलती करते हैं कि जी हम सेंटर में एक विंडो दे देते हैं कमरे की, ठीक है, उसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारी एक बड़ी वॉल है तो उसके साइडों पर दो विंडोज दे दें जिससे आपकी क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी हो सकती है। वेरी नाइस। और आपका एक बीच में एक वॉल मिल जाती है जिसको आप एज अ फीचर वॉल रीड कर सकते हैं, आपको सामान रखने के लिए जगह इसको यूज कर। तो ये भी कोई थंब रूल नहीं है कि एक दीवार एक खिड़की। जी बिल्कुल, हम ये अमूमन गलती करते हैं कि जी हम वॉल बना दी अब इसमें खिड़की भी देनी, चले बीच में खिड़की दे देते। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अगला वेंटिलेशन वाला पॉइंट भी हमारा हो गया जी, और कुछ जनाब कोई पॉइंट्स हमारे रह गए हैं? और बेसिक दूसरा जो है आपको इंसुलेशन हमको करनी चाहिए। इंसुलेशन, इंसुलेशन असल में होती क्या है, ठंडे को ठंडा और गर्म को गर्म रखना। बिल्कुल, आपको बेसिक आपको जो है एक कैविटी क्रिएट करनी होती है बाहर के और अंदर के माहौल के दरमियान, ठीक है, वो आप कैविटी या तो एयर से क्रिएट कर सकते हैं लेकिन हम रूफ में एयर नहीं ला सकते, तो इसलिए आपने देखा होगा डिफरेंट मटेरियल्स आए हुए आजकल जो रूफिंग सिस्टम को इन्हेंस करते हैं इंसुलेशन के थ्रू, उसमें आपकी थर्मोपोल शीट है और बाकी जंबोलॉन का आपने नाम सुना होगा और आजकल सोलर चिप्स भी आए हुए, तो ये तीन चार चीजें जिसको आप इंसुलेशन, थोड़ा सा खर्चा है लेकिन देर पा के लिए आपको आराम है। और ये छत पे होती है? ये छत पे होती है। अच्छा, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आज जाहिर है कि सेगमेंट में हमने और बहुत से पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, साहब मैं चाहूंगा कि फिर किसी दिन हम सिर्फ इंसुलेशन पे एक अलग से सेगमेंट रखें कि क्या क्या आजकल ऑप्शंस हैं और वो कितनी देर पा है, उनमें कितना खर्चा आता है और उसको किस तरीके से करना चाहिए। तो इंसुलेशन पे उसकी कुछ मिसालें हम देख भी रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, लेकिन इसको डिटेल में हम किसी दिन बात करेंगे। अच्छा जी, एक पॉइंट है अगला, प्रॉपर स्लोप्स फॉर द रूफ्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम ये भी मिस कर जाते हैं अपने घरों में, तो इसका आपको अपना रूफ इस तरह से कोशिश करें कि डिज़ाइन करें कि उसकी स्लोप इस तरह से हो कि वो आपका इवेंचुअली जो पानी है सारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग में टैंक है उसमें इकट्ठा हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे कि आप इस स्लाइड भी देख सकते हैं कि बादल से बारिश गिरी जी, वो पानी हमने जाया नहीं किया, उसको किसी तरह से अपने छत से हमने हासिल कर लिया, संभाल लिया, बचा लिया और उसको पाइप के जरिए किसी रास्ते के जरिए एक टैंक में ले गए और वो पानी जो है आपकी किचन गार्डन के गाड़ी के लिए यूज हो सकता है, गाड़ी धोने के लिए यूज हो सकता है, सो पानी की बचत इस हवाले से भी हो सकती है। इसमें भी पूरा सेगमेंट बनता है, बिल्कुल बनता है, पूरी स्टडी है जी। अब आप आ गए हमारे शो में, हमने आपको जाने नहीं देना इंशाल्लाह। ग्रेट, बहुत मजे के जनाब ये 10 बेसिक पॉइंट्स थे जो हसाम ने हमें बताए, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के माशाल्लाह लीडिंग आर्किटेक्ट हैं और इन्होंने कोशिश की और मैंने मिलकर इनके साथ कि बहुत आसान अल्फाज में हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं कि जो घर बनाने के बिल्कुल शुरू में ही आपको जहन में रखने जरूरी है। घर बनाने के एक्साइटमेंट में हम घर बनाना शुरू कर देते हैं, आधे रास्ते में जाके ख्याल आता है कि ओहो, वो ऐसे नहीं होता जिस तरह कल मैं लाहौर से मोटरवे पे आ रहा था तो रास्ते में भेरा में रुक के मैंने खाना खाया, अब खाने के वक्त मैंने ना फोन अपना चार्ज पे लगा दिया वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में, तो जब गाड़ी में आके बैठा और गाड़ी चली तो मुझे याद है फोन उधर रह गया, तो उस वक्त फिर मोटरवे पे आपके पास वापस जाने का कोई सीन नहीं होता। तो घर बनाना भी है कि आधे रास्ते में जाके जब आपको याद आए ना कि वो काम जो पहले होना था वो रह गया, वो बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, आप काम एक दफा जो करना होता है उसको तीन दफा करते हैं और अपना खर्चा डबल के बजाय ट्रिपल में ले जाते हैं, तो आप कोशिश करें एक ही दफा एक चीज बनाएं। एग्जैक्टली, और इसमें फ्लोरिंग और बाथरूम्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो भी रहते हैं, और प्लम्बिंग, लेकिन आज जाहिर है वक्त कम है और आपके पास भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होगी। नेक्स्ट वीक हम
हसाम से बाथरूम्स के हवाले से, उनकी स्लोपिंग के हवाले से कि बाथरूम का रुख किस तरफ होना चाहिए कि पानी जो है वो बेडरूम में ही ना आ रहा हो जब आप बाथरूम धोएं, और इसके अलावा फ्लोरिंग, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच हसाम, हैव अ ग्रेट डे। हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को इसी तरह साथियों जारी रखेंगे और आपको घर बनाने के हवाले से टिप्स देते रहेंगे। ब्रेकफास्ट एट होम आपने देखना शुरू कर दिया है, घर हम आपका बनवा के छोड़ेंगे, ये मैं आपको बता दूं। ये फरुख और मुकेश और मेरी तीनों के ये 3 महीने हो गए हमने काम शुरू किया हुआ, तो आपका घर इंशाल्लाह बना के हम छोड़ेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं, पैसा बस आपने इकट्ठा करना है, बाकी काम हम करेंगे। रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा मशहूरियां ब्रेक लेते हैं, और जैसा कि मैं प्रोग्राम के आगाज में साथियों आपको बता रहा था कि रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के हवाले से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आज हमने एक खसूसी नशिस्त का अहतमाम किया है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन मोहतरम क़िबला अयाज़ साहब आज हमारे साथ हैं, अभी उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे, रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। जनाब वेलकम बैक, आज की हमने एक खसूसी नशिस्त सजाई है रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के हवाले से। हमारे साथ चेयरमैन मौजूद हैं इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मोहतरम क़िबला अयाज़ साहब। अयाज़ साहब आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी तौसीक हैदर साहब। सर अभी हमारा जो ये जो शो है ब्रेकफास्ट एट होम, इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि सुबह सुबह जिंदगी को गुजारने के और एक अच्छा दिन गुजारने के हवाले से कुछ टिप्स लोगों को दी जाए, जैसे कि अभी हमारे पिछले सेगमेंट्स में भी आप देख रहे थे। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुताला करते हैं, उससे इस्तफादा करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, उसमें हम, मैं ये ज़ाती तौर पे ऐसा महसूस करता हूँ, कई दफ़ा हम बहुत बड़े बड़े सवालों के बड़े बड़े जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्यों ना आज हम कुछ बात करें छोटे छोटे सवालों के छोटे छोटे जवाब। मिसाल के तौर पर मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि हयात पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम कैसे सीखते हैं कि सुबह उठ के एक मुस्बत पॉजिटिव दिन कैसे शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल तौसीक हैदर साहब, आपका जो प्रोग्राम है ब्रेकफास्ट के हवाले से, और इसमें फिर हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से इस्तिफादा की कोशिश करते हैं, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत जो थी वो तो हमारे, यानी जिस तरह हमें दिन गुजारना चाहिए, जिस तरह हमें वक्त गुजारना चाहिए, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा नमूना है, और फिर पूरी ज़िंदगी को हम उसवे हसना कहते हैं, यानी नोबल पैराडाइम, एक सही मॉडल नमूना। तो दिन किस तरह गुजारें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने की कोशिश करें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तहज्जुद गुजारते, सुबह की नमाज के लिए जो मामूलात हैं वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें सबको मालूम है, लेकिन उमूमी तौर पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो थी या जो इब्तिदा होती थी वो ऐसी होती थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमेज, एक तासुर जो बनता है वो एक बे इंतहा मेहरबान, एक बे इंतहा मुशफिक इंसान की हैसियत से, तो सबसे पहली मुलाकात ज़ाहिर है कि उम्महातुल मोमिनीन के साथ होती थी, तो वो मुलाकात विशिंग के साथ, अस्सलाम अलैकुम, मुस्कुराहट के साथ, एक दूसरे की खैरियत पूछने के साथ। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें तौसीक हैदर साहब कि जब इस कदर एक खूबसूरत इब्तिदा दिन की हो जाए तो फिर बाकी दिन के भी तो मामूलात ऐसे ही होते हैं ना। और आपने बड़ी अच्छी बात की, मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराहट के साथ, विशिंग के साथ। अब हम इसको आम जिंदगी के अंदर देखें तो आपको बहुत से लोग साथियों ऐसे मिलते होंगे जो सुबह सुबह दफ्तर में आपसे उनसे मुलाकात हो रही है, या घर में भी कोई ऐसे अहबाब होते हैं कि शुरू से ही सुबह से ही चेहरे पे ऐसी नागवारी सी कैफियत होती है, तो ये हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ही भी सीखते हैं कि बगैर किसी वजह के भी मुस्कुराना चाहिए। तबस्सुम की कैफियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तारी रहती है, यानी आपके चेहरे को आप देख लेते तो दिल में अगर कोई गम या दर्द भी हो तो एक खुशी और इंबिसात की कैफियत आ जाती थी। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे दिन की इब्तिदा अगर ऐसे ही हो तो फिर इंशाल्लाह पूरा दिन जो है वो बेहतर गुजरेगा। कितनी खूबसूरत बात है। अच्छा अब आते हैं जी दिन के मामूल में, आप घर से निकलते हैं, आप दफ्तर जाते हैं, कारोबार हयात शुरू हो जाता है, आप
आप टैक्सी चलाते हैं या आप कोई नर्स हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, हम क्या क्या ऐसा रवैया होना चाहिए कि जहाज जब फ्लाइट लेता है ना अयाज साहब, तो वो टर्बुलेंस भी आती है ना, तो दिन जब शुरू होता है तो बहुत से मौके ऐसे आते हैं कि आपको गुस्सा भी आता है, आपको नागवारी भी आती है, आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं भी आती, ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या हमें हिदायत मिलती है, क्या हमें उस्वाए हसना से ये जो आज का प्रोग्राम है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है, तो हमने तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखना है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी शख्सियत का जो खुलासा हमें नज़र आता है वो ये है कि आपके मामूलात या आपका रवैया ये तसादुम की बुनियाद पर नहीं था कि लड़ना झगड़ना एक वो कैफियत पैदा करना, बल्कि ताउन की बुनियाद पे होता था। अच्छा, तसादुम नहीं, ताउन, ताउन की बुनियाद पे होता था, यानी आप मसले का हिस्सा नहीं है बल्कि हल का हिस्सा है। वाह वाह वाह। तो जो भी बंदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफल में वो इस कदर एक इत्मीनान महसूस करता कि वो ये सोचता कि मुझसे ज़्यादा करीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ के साथ कोई और नहीं है। तो अब आप ये वो ताउन का रवैया है और मसाइल के हल का रवैया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से हम सीखते हैं। यानी कि दूसरा टिप जो हमें आयत साहब की गुफ्तगू से मिला सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, वो ये कि एक तो मुस्कुराहट के साथ, तबस्सुम के साथ, पॉजिटिविटी के साथ दिन का आगाज करें, और दूसरी चीज़ ये कि दिन भर के मामूलात में साथियों अगर कहीं कोई मसला दरपेश हो जाए, कोई प्रॉब्लम, कोई कॉन्फ्लिक्ट, तो कोशिश कीजिए ऐसे में आप हल का हिस्सा बने, मसले का हिस्सा ना बने। और बड़ी अच्छा इन्होंने इस्तेमाल इस्तेमाल की, तसादुम का हिस्सा नहीं, तावन का हिस्सा बनना है। क्या खूब, बहुत अच्छे। अच्छा अयाज साहब, ये बताइए कि हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक पहुंचने के लिए पहले तो बहुत ही रिसर्च बेस्ड कुतुब होती थी, उनको उनका मुताला होता था, लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया के दौर में, डिजिटल दौर में, आप यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, हर तरफ बहुत से लोगों के बहुत से पेजेस बने हुए हैं जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपने अंदाज में उन्होंने मोहब्बत में, मोहब्बत नबी में वो पेजेस बनाए हुए हैं। मैं एक अच्छा दिन गुजारने के लिए या एक अच्छा बच्चा बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइट्स, कौन सा सोशल मीडिया ऑथेंटिक है, कौन सा नहीं है? क्या मुझे सीरत नबी के हवाले से कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिले मैं उसको मान लूँ? इस हवाले से हमारी थोड़ी रहनुमाई कीजिए आज के दौर के, आज के नौजवान के लिए। बहुत अहम सवाल आपने किया तौसीक हैदर साहब। ये जो हमारा समाजी जरिया इब्लाग है, सोशल मीडिया, इसके अंदर जाहिर है कि कोई चेक नहीं है। सही। तो हर किस्म के लोग जो हैं अपना मवाद उस पर डाल लेते हैं। यकीनन इस बात की ज़रूरत है कि कम अज़ कम और बातों के हवाले से हो या ना हो, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत के हवाले से हम ये कोशिश करें कि हमारे पास मुस्तनद ज़राए पहुँचे। तो उसमें यह है कि अगर कोई ऐसा कोई समाजी वेबसाइट देखना भी चाहे तो इस बात की ज़रूरत है कि जो मुस्तनद हमारे उलमाए किराम हैं, जो माहिरीन हैं सीरत नबवी के, उनके साथ मशवरा कर लें। सही। और फिर इस किस्म की साइट जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी मुतारफ़ कराए, अपनी औलाद के साथ भी मुतारफ़ कराए, ख़ानदान के अंदर, और ख़ुद भी उसी से फिर इस्तिफादे की कोशिश करें। यानी थोड़ी सी रिसर्च करें, जो मुसद्दिका उलमा हैं उनके ही पेज को या उन्हीं को सोर्स बनाया जाए। वरना, और ये हम नहीं कहेंगे कि वो भी ठीक नहीं है, किसी ने मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई अपना पेज बना रखा है और उस पर सीरत नबी के हवाले से, उस्वाए हसना के हवाले से अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने किसी को फॉलो करना है, किसी को शेयर करना है, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर के अंदर। कोशिश कीजिए कि किसी मुसद्दिका आलिम या इदारे की साइट को ही आप फॉलो करें। क़िबला अयाज साहब, जो कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन हैं, हमारी खुशबख्ती कि आज की नशिस्त की रौनक इन्होंने बढ़ाई, और जिक्र ही पाक नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा है कि वो जिक्र जहाँ भी हो वो महफिल पुर नूर हो जाती है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटा सा हम वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।
وقفے کے بعد بریکفاسٹ ایٹ ہوم کی اس خصوصی نشست میں آپ کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہیں گے. ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے چیئرمین محترم قبلہ ایاز صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا ایاز صاحب, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میں اگلا جو سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اس کا تعلق اس غصے, اس استرداد, اس نفرت کے ماحول سے ہے جو شاید ہماری نسل کو عام پاکستان میں باہر نکلیں تو اس کانفلکٹ کا, اس ریالٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. غصہ ہے بہت زیادہ, غصے کا اظہار بہت زیادہ وائلنٹ ہے. اس حوالے سے ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں تو اسی حیدر صاحب, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے جس طرح میں نے عرض کیا اسوہ حسنہ ہے, نوبل پیراڈائم ہے. بے شک اب غصے کی اس وقت جو ہمارے ہاں ایک کیفیت ہے, ہر بندہ غصے میں ہوتا ہے, جذبات میں ہوتا ہے, رد عمل کی نفسیات کے تحت کام کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی نہیں تھی, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبر, استقامت اور رد عمل کی نفسیات میں نہ آنے والے ایک عظیم شخصیت کے طور پر ہم انہیں دیکھتے ہیں. بسن آپ دیکھیں مکہ میں, مدینہ میں, دونوں زندگیوں میں. مکہ میں بھی آپ دیکھیں آپ کا تعلق قریش سے تھا, بنی ہاشم سے تھا, بہت مضبوط قبیلہ تھا, لیکن کس طریقے سے لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا, آپ کے راستے میں کانٹے بکیرنا, آپ کے آنے جانے کے راستے میں غلاظتیں پھینکنا. کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں آئے, حالانکہ آپ کے اندر جو آپ کی جو آپ کا قبائلی انسلاک تھا اور بہت مضبوط قبیلے سے آپ کا تعلق تھا, کوئی جرت ایسا کرنا ممکن نہیں تھا اگر آپ چاہتے. لیکن جب نہیں آپ نے پایا, کانٹے آپ نے نہیں پائے, غلاظتیں نہیں پائیں, تو پوچھا کہ وہ خاتون جو ایسا کرتی تھی وہ کہاں ہے؟ آپ اس کی عادت کے لیے گئے. تو یہ وہ رویہ ہے کہ یعنی آپ کسی کو شکست نہیں دے رہے بلکہ آپ فتح کر رہے ہیں. واہ واہ واہ, اس خاتون کو آپ نے اپنے رویے سے فتح کر لیا, اس کی عادت کی, وہ مسلمان ہو گئی. اب اس طریقے سے بے انتہا اور مثالیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو یاد ہے کہ کچھ قبائل ایسے تھے کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. جی, ان میں سے ایک باپ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہو گیا تو وہ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ مسلسل وہ اپنی بچی کی بات کرتا اور روتا رہتا, مسلسل بات کرتا کہ کس طرح میں نے اسے قتل کیا, کس طرح دفنایا, اور اس کی جو آخری چیخوں کی آواز تھی, اور اس کے بعد پھر رونے رکھتا تھا. تو لوگوں نے, صحابہ کرام نے اس بندے کو منع کرنے کی کوشش کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور وہ مسلسل, یعنی جس کو آج کل کی سائیکالوجی کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اطمینان دلانے کے لیے آپ کو کتارسس کا موقع دینا چاہیے. بالکل بالکل. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایک قسم کی کتارسس کا موقع دیا, رونے دیا, جو اس کے اندر کے جذبات ہیں, دکھ کے جذبات ہیں, درد کے جذبات ہیں, بار بار ان جذبات کا وہ اظہار کرے اور اس کے آنسو جو ہے, اور اس کے بعد پھر اس آدمی پہ ایک اطمینان کی کیفیت طاری ہوگی. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے کیا پرتو تھے, کیا آپ کا انداز تھا. اور آپ نے وہ جو بات کی نا وہ بہت خوبصورت, کہ شکست دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, فتح کرنے کی کوشش کریں. ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ فتح جو ہے وہ شکست کے بعد کا ایک لمحہ. بالکل, ہے بالکل, بالکل, کہ ہم کسی کو شکست دیں گے تو ہم فتح حاصل کریں گے. شکست دیے بنا بھی فتح حاصل کی جا سکتی. کیا خوبصورت آپ نے حوالہ دیا. ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو کمرشلز ہیں نا جی, جو اشتہارات چلتے ہیں, یہ بھی بہت ضروری ہوتے ہیں ہمارے سارے اس نظام کو چلانے کے لیے. ایک اور کمرشل بریک ہے جی, اس کے بعد ابھی آپ سے ملتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے بریکفاسٹ ایٹ ہوم کی اس خصوصی نشست میں. اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے چیئرمین محترم قبلہ ایاز صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس نشست میں, اور ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور آج کے کانٹیکسٹ میں آج کا انسان, آج کا پاکستان کا شہری اپنے دن کا جب آغاز کرتا ہے
तो वो किस तरह से एक खुश मुस्बत दिन गुजार सकता है, एक पॉजिटिव दिन गुजार सकता है, और साथ ही साथ जो माशरे के दो तीन मेजर मसाइल हैं उसमें हम हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उस हवाले से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस्वे हसना के हवाले से। क़िबला याज़ साहब, नशिस्त का आखिरी हिस्सा है और इसमें मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा क्योंकि अक्सर मैंने आपको इस मौजू पर बात करते सुना है, और वो है कि ख़वातीन के हवाले से, चाहे वो आप की अहलिया हो, आपकी बेटी हो, आपकी माँ हो, या माशरे, देखिए ना आज के दौर के हवाले से देखा जाए तो हम बाहर निकलते हैं, आपकी कॉलीग्स होते हैं, सड़क पर जाते हुए बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, जनरली हम क्या समझते हैं कि एक औरत से, एक खातून से हमारा रवैया ख़ासतौर पर वायलेंस के हवाले से क्या होना चाहिए, और ऐसे में हमें उस्वा हसना से क्या तरबियत मिलती है? तो सीख हैदर साहब, यही तसलसल है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना। तो अपनी उम्महातुल मोमिनीन, अपनी जो आपकी रफ़ीक हयात थी, आपका उनके साथ रवैया क्या था? बे इंतहा हमदर्दाना, बे इंतहा मोहब्बत का रवैया, और ऐसा रवैया कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी के ऊपर हाथ उठाया हो, किसी को मारा हो। और एक जो मैं समझता हूँ कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो आपकी पहली ज़ौजा मोहतरमा थी, वो जब वफात पा गई तो उस वफात पे आपके जो ताज़ियती अल्फाज हैं, मैं समझता हूँ कि अगर वो भी हम देखें और मुताला करें तो यकीनन कि वो लिटरेचर का और अरबी लिटरेचर का एक मास्टरपीस है। क्या बात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मेरी आंखें नमनाक हैं, मेरा दिल गमगीन है, उस वक्त जब लोगों ने मुझे सख्त सुस्त कहा, मेरे लिए सख्त अल्फाज कहे, आपने मुझे तसल्ली दी, जब लोगों ने मुझे धुतकारा, आपने पनाह दी। अब ये अल्फाज आप देखें कि यानी इस कदर एक असर अंगेज अल्फाज हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा मोहतरमा की वफात पे फरमा रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसासात ख्वातीन के हवाले से क्या थे, और वो उनको वो इस सारी बात के अंदर जो चीज़ समझ में आ रही है कि देखिए वाकई में आपकी जो आपकी जो बीवी होती है, आपकी जो अहलिया होती है, वो एक शील्ड होती है। बिल्कुल, पूरे आपके दिन भर के काम, दुख दर्द, मसाइल, उसके अंदर आपको एक शील्ड प्रोवाइड करती है बिटवीन यू एंड द सोसाइटी। और इस जो आपने छोटी सी बात थी, लेकिन इसके अंदर जो टेक अवे है वो ये कि उस शील्ड को पहचानना ज़रूरी है। रात के वक्त उठते तो किसी ज़ौजा को ना उठाने की वो ना करते कोशिश, बल्कि खुद जाके पानी पी लेते थे और ख़ुद जाके आराम से अपनी चारपाई पर आ जाते कि मेरे आने जाने की वजह से कहीं उनकी नींद में खलल ना पड़े। अब ये किस कदर अजीब यानी बंदा महसूस करे कि किस कदर एहतराम है, ये बज़ाहिर एक छोटी सी बात है, लेकिन इसमें पूरा एक रवैया हमें मिलता है ख़वातीन के हवाले से। क़िबला याज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप वही बात है कि ये नशिस्त ऐसी है, ये मौजू ऐसा है कि इसमें तो घंटों बात हो सकती है, और आप जिस अंदाज में आम फहम अल्फाज इस्तेमाल करते हुए बता रहे हैं, बहुत लुत्फ आया। जिंदगी रही तो फिर किसी दिन आपको फिर मधु करेंगे। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ब्रेकफास्ट एट होम का ये स्पेशल सेशन आपने हमारे साथ एंजॉय किया, जिंदगी ने दी इजाजत, तो कल फिर मुलाकात होगी सुबह 7:15 पर पीटीवी होम, सुपहर 4 पीटीवी होम, पीटीवी ग्लोबल यूएस सुबह 8 PTV ग्लोबल UK सुबह 8। खुदा हाफिज़।